सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टीम और एसटीएफ जाएगी। वहीं एसटीएफ समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने भी मुख्तार अंसारी की वापसी के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्तार अंसारी को लेकर होने वाली हाई लेवल मीटिंग में तय होगा कि मुख्तार अंसारी की कैसे, किस रूट से और किस गाड़ी में वापसी होगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे पता चला है कि मुख्तार अंसारी को वापस लाने 100 से ज्यादा स्पेशल पुलिस की टीम जाएगी। आपको बता दें, बीते रविवार को भी मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी के नेतृत्व में हुई थी। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था के मौजूदा हालात पर अपनी राय को रखा था। इस मीटिंग में ही तय हुआ था कि मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में रखा जाएगा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल यानी 890 किलोमीटर तक मुख्तार अंसारी को सुरक्षित पहुंचाना है। न्यूज़ डेस्क।